तो दिल्ली में बड़े प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार अब ऑड इवन का प्लान लेकर आ रही है। 4 नवंबर से 15 नवंबर तक चलने वाले ऑड इवन का पूरा ताना बाना बुन लिया गया है और इस रिपोर्ट को समझिए। जहरीली होती हवा, सांसों में घुलता जहर, बेशक दिल्ली अब प्रदूषण से निजात मांग रही है और इस प्रदूषण से निजात के लिए दिल्ली सरकार एक बार फिर ऑड इवन स्कीम के साथ हाजिर है। 4 से 15 नवंबर तक लागू हो रहे ऑड इवन के लिए दिल्ली सरकार ने कई तरह के प्लान तैयार कर रखे हैं। 11 दिनों तक चलने वाले ऑड इवन पर दिल्ली सरकार के प्लान पर आइए नजर डालते हैं। ये नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेंगे। नियम के तहत ऑड तारीखों पर ऑड नंबर और इवन तारीखों पर इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। ऑड इवन के नियमों को तोड़ने पर ड्राइवर पर ₹4,000 तक का जुर्माना लगेगा। दोपहिया वाहनों को ऑड इवन की श्रेणी से बाहर रखा गया है। वहीं सीएनजी गाड़ियां भी ऑड इवन के दायरे में ही रखी गई हैं। ऑड इवन के नियमों से दिल्ली में महिलाओं को छूट दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के तहत दिल्ली में 2,000 अतिरिक्त बसों को किराए पर लिया गया है। सरकारी दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया गया है। तो दिल्ली सरकार अपने प्लान के साथ पेश है और दिल्ली सरकार के इस लंबे चौड़े प्लान के फायदों पर भी आइए नजर डाल लेते हैं। ऑड इवन में गाड़ियां कम होने पर प्रदूषण भी कम होता है, ट्रैफिक जाम की समस्या से भी काफी निजात मिलती है। गाड़ियों की संख्या कम होने पर ईंधन की भी बचत हो जाती है। मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोगों के जाने पर सरकारी खजाने में ज्यादा पैसे जाते हैं। ट्रैफिक कम होने से सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। दिल्ली में उखड़ती सांसों को संजीवनी देने के लिए ऑड इवन का प्लान तैयार है। 4 नवंबर से दिल्ली की सड़कों पर भीड़ भी कम हो जाएगी, लेकिन ऑड इवन दिल्ली की हवा में घुला जहर कितना कम करेगा ये तो वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।